भाई मेरे सर पे चढ़ोगे क्या भाई साहब? भाई इधर जाओ यार, आपको तो आपको भी चक्कर तो दे रहा भैया। सो हे गाइस, मैं आ गया हूँ फिर से बेगर बन के आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके। वीडियो में क्या होने वाला है वो ये होने वाला है, तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पापा के नाम पे सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, 2 लाख करो यार। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतनी वीडियो शूट करता हूँ, अपने फेस पे कुछ कुछ यूज़ करता हूँ, पर फिर भी मेरा चेहरा यू ना ग्लो करता रहता है, किस वजह से? मैं कौन सा फेस वॉश यूज़ करता हूँ? तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे वीडियो, तो इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मिलते हैं लास्ट में बाड़ी। अरे ये सेंट्रल पार्क है क्या? नहीं, ये सेंट्रल पार्क है ना। मैं ये पूछ रहा था कि ये फुहारा यहीं पे चलता है, पर यहीं पे कपल्स बैठते हैं। आप दोनों फ्रेंड हो गए यार, मैंने आपको कहीं देखा है ऐसा मुझे लग रहा है। ये कौन सी जगह एग्जैक्टली वैसे? सेंट्रल पार्क है। अरे मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरे को यहाँ बुलाया था कि यहाँ पे। कौन सी जगह बुलाया था भाई? उसने सेंट्रल पार्क ही बोला था, उसने एग्जैक्ट बोला था ना कि जो तिरंगा है ना उसके वहाँ फुहारे चलते हैं। वो किधर चलते हैं? उधर ही चलते हैं, उधर ही चलते हैं। वो तो किधर की साइड? यार मैं अपने दोस्त को ढूंढ रहा हूँ। ये यहाँ पे वो फुहारा कहाँ चलता है? इस साइड चलता है, इस साइड चलता है यार। उधर की साइड कोई बता रहा था, फोन भी मेरे को ऐसा लग रहा है आपको मैंने कहीं देखा है। ऐसा लग रहा है आप टिकटॉक वगैरह यूज़ करते हो? हाँ। मैंने वहीं देखा था। अच्छा आपकी आईडी क्या होगी वैसे टिकटॉक की? Nia Shah 786। एक सेकंड मैं भाई, एक सेकंड यार। अरे नहीं है भाई, एक मिनट, समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं है भाई, अभी बात कर रहा हूँ। अरे भाई नहीं, एक बार थोड़ा हाथ हिला दो कैसे भाई, दिख रहे हम दोनों? पंख पता नहीं कहा। अरे ये कौन है? पंख 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 भाई, क्या हो गया? भिखारी वो बता के बताओगे? मैं भिखारी हूँ भाई, देखने से तो अच्छे खासे लग रहे हो भाई। ये क्या था? अरे वो देखो भाई, अब क्या, हटो यार एक मिनट, हट जाओ यार एक मिनट, मेरे को देखना है। हमने दो भाई क्या देखा भैया? देखा है भाई, तुम्हें ही बता दूँ सब कुछ, मैंने कहीं देखा है ना इन्हें। आप टिकटॉक वगैरह बनाते हो? ये स्कूल के लड़के दिख रहे हैं, इवन हाथ हिला देना, ये स्कूल के दिख रहे हो यार। पता नहीं यार मैं खो गया हूँ। ये वही है ना सेंट्रल पार्क? हाँ जी। पंक पंक पता नहीं यार, पंक ये आपके साथ है? नहीं ना भैया, अभी देते दिए थे से। ना भैया पेट पालना मालिक, पेट पालना काम करो ना सही सलामत। अरे भाई जाओ यार, अभी ये तो काम है हमारा ना। अरे भाई 2 मिनट जाओगे यार? 2 मिनट थोड़ा काम बाद। अरे क्यों परेशान कर रहे हो यार भाई? 2 मिनट खाना है मेरे को। क्या खाना? खाना खाना है भाई। अरे भाई मेरे पास की तो नहीं है भाई, अब 1 रुपया भी ना दे भाई। इतना तुम्हारा खर्चा, इतनी अच्छी बॉडी है, कुछ कमा के खा लो भाई। यही तो मेरा काम है ब्रो। ये क्या मतलब, बैग दिखाने भाई यार बस। अरे भाई इतनी अच्छी खासी बॉडी है यार आपकी, ऐप दिखाने का यार, अच्छी खासी बॉडी है तू, इतनी बड़ी बॉडी ले लो जब। चले जान भाई, भाई तुम्हें क्या जरूरत है यार, कैसे फिजिक बना रखी है भाई। तो भाई आपको भीख मांगने की क्या जरूरत है भैया? पेट के लिए करना पड़ेगा यार, ये भुखमरी है, भुखमरी। बहुत जबरदस्त बॉडी है भाई, मेरे पास पैसे नहीं है, हट जाओ यार। अब दे दो भाई, सही अच्छी खासी बॉडी है यार तुम, तुम्हें क्या जरूरत है यार भाई भीख मांगने की, मैं तो गिर जाता अभी। नहीं है भैया, मेरे पास नहीं है पैसे। आप बहुत क्यूट लग रहे हो। एक ये कौन आपके साथ है? नहीं। क्या भाई? हाँ ना। अरे भाई दूर जाओ ना भाई, एक मिनट। तो फिर इसके नीचे ही ना मतलब? हाँ इसके नीचे। अरे भाई क्या सर पे चढ़ोगे क्या? नहीं है भाई पैसे मेरे पास,
सर पे चढ़ रहे हो यार, तुम्हारे साथ है क्या ये? नहीं भाई हम नहीं जाते, खाया नहीं मैंने दो तीन दिन भाई, मैंने भी नहीं खाया, मैंने पिया भी नहीं। तो भाई पानी उधर से पी लो भाई, वहाँ मिलता है प्रोटीन। प्रोटीन मतलब पानी भाई, बोल क्या रहे हो भाई, पानी प्रोटीन, प्रोटीन का क्या? अच्छे खासे लग रहे भाई, कुछ काम धंधा करके कमा लो भाई, यही तो मेरा काम है, भीख मांगना सुबह शाम। मैं एक फिटनेस मॉडल हूँ और मेरा चेहरा मेरे लिए मेरी मसल से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लोगों को लगता है मेरी बॉडी और मेरा फेस हमेशा परफेक्ट रहता है, जैसे मेरी बॉडी को एक अच्छे प्रोटीन की नीड होती है, उसी तरह मेरे फेस को एक अच्छे फेस वॉश की नीड होती है। सो गाइज, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ वाव का एप्पल साइडर विनेगर फेस वॉश। पर्सनली मैं इसको काफ़ी लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और मैंने देखा इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के केमिकल ऐड नहीं है, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे नेचुरल हैं, जिसकी वजह से हमारे फेस को लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा होता है। अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।